हेलो लवली स्टूडेंट, दिस इज आध्या। वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम करेंगे सेवेंथ क्लास की एक्सरसाइज 2.3 का फ्रैक्शन वाला टॉपिक जो चल रहा था, लेकिन आज हम सीखेंगे डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन। फ्रैक्शन का डिवीजन कैसे किया जाता है आप बोर्ड पर देखेंगे। बहुत ही सिंपल सा इसका कॉन्सेप्ट है। क्वेश्चन नंबर 1 ले रहे हैं हम। फाइन, हम इसके कुछ पार्ट्स करके देखेंगे कि कैसे डिवीजन किया जाता है। पहला पार्ट है 12/3/4। आप ध्यान से देखिए हमें क्या करना है। बहुत इजी स्टेप्स हैं। आपको सबसे पहले डिवाइड को मल्टीप्लाई बनाना है और उसी स्टेप में पीछे वाले उसके जस्ट पिछले फ्रैक्शन को रेसिप्रोकल कर देना है, यानी कि उल्टा कर देना है। 3/4 को आप 4/3 करेंगे। ये दोनों स्टेप्स आपने एक साथ एक ही स्टेप में करना है, अलग अलग स्टेप में शो नहीं करना, ठीक है। अब कैंसिलेशन, अब ये मल्टीप्लाई का ही क्वेश्चन बन गया है जैसे हमने सीखा था। तो कैंसिलेशन या तो ऊपर नीचे होता है या डायगनली होता है। तो यहाँ फिलहाल हो रहा है 3 × 3, 3 × 4 = 12, तो ये बन गया 16। 4 × 4 = 16 आंसर। अकाउंट में 1 लिखिए या ना लिखिए, ये आपकी अपनी चॉइस है। इसका सेकेंड पार्ट देखते हैं हम, 14/5/6। बाकी के पार्ट्स ऐसे ही चलते रहेंगे, हम एक दो पार्ट्स और ले लेंगे। आपको क्या करना है, पहला स्टेप डिवाइड को मल्टीप्लाई बनाना है और साथ में ही जस्ट पीछे वाले फ्रैक्शन को रेसिप्रोकल कर देना है। रेसिप्रोकल मीन्स उल्टा कर देना है। अब आप चेक करिए, ना ऊपर नीचे कैंसिल हो रहा है ना क्रॉस में कैंसिल हो रहा है। तो आप क्या करेंगे, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे। 6 × 4 = 24 का 2 कैरी ओवर, 6 × 6 + 2 = 84/5 आपका आंसर आ गया। और फ्रैक्शन एंड फ्रैक्शन वाला टॉपिक करते वक्त हमें डेसिमल में देने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है। इसका थर्ड एंड फोर्थ पार्ट सेम रहेगा, आप इसको सेल्फ प्रैक्टिस के लिए लेंगे। और हम सीधा इसका फिफ्थ पार्ट ले रहे हैं, 3/2 and 1/3। इसमें क्या नया है, अब इसमें हमें मिक्स्ड फ्रैक्शन मिल गया है। तो आप अब सबसे पहले मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, वही आपका पहला स्टेप होगा। 3 × 2 = 6, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं और न्यूमरेटर ऐड कर देते हैं। 3 × 2 = 6 + 1 = 7/3। अब आपका फिर से वही स्टेप बन जाएगा, आप डिवाइड को मल्टीप्लाई बनाइए और उसी टाइम साथ वाले को रेसिप्रोकल कर दीजिए। न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि क्रॉस में और ऊपर नीचे कुछ कैंसिल नहीं हो रहा। 3 × 3 = 9/7, ये आपका आंसर आ गया। आप आखिरी पार्ट ले रहे हैं ताकि आपको कॉन्सेप्ट पूरे अच्छे से समझ में आ जाए। ये आखिरी पार्ट है जिसको हम समझा रहे हैं, इसमें भी हमें मिक्स्ड फ्रैक्शन दिखाई दे रहा है। आपने पहला स्टेप क्या करना है, मिक्स्ड को इम्प्रॉपर में चेंज कर लेना है। 7 × 3 = 21 + 4 = 25/7। अब नेक्स्ट स्टेप आपका क्या बनेगा, आप डिवाइड को मल्टीप्लाई बनाइए और जस्ट साथ वाले फ्रैक्शन को रेसिप्रोकल कर दीजिए। रेसिप्रोकल का मतलब होता है न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर बना दीजिए, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर बना दीजिए। ये हो गया 7/25 और यहाँ कैंसिलेशन हो रहा है क्रॉस में। 5 × 5, 5 × 5 = 25, 7 × 7 / 5 और आपका आंसर आ गया 7/5। तो आज की क्लास में हमने सीखा कि कैसे फ्रैक्शंस का डिवीजन किया जाता है। बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। डिवीजन को आपको पहले मल्टीप्लाई बनाना है और साथ वाले को रेसिप्रोकल करना है, फिर ये क्वेश्चन हमारा मल्टीप्लिकेशन का ही बन जाएगा। तो नेक्स्ट क्लास में हम नए क्वेश्चन के साथ आपसे फिर मुलाकात करेंगे। गुड बाय फ्रेंड्स।